बीसीसीआई की राजनीति में आए मोड़ के बाद शशांक मनोहर का दोबारा प्रेसिडेंट बनना तय हो गया है। उन्हें अनुराग ठाकुर और शरद पवार गुट दोनों का सपोर्ट मिल गया है। शशांक मनोहर 2008 से 2011 तक बीसीसीआई प्रेसिडेंट रह चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक अरुण जेटली और अनुराग ठाकुर के मनाने पर मनोहर फिर से पद संभालने को राजी हुए। ठाकुर और पवार गुट के साथ आने से मनोहर को अब 29 में से 15 वोट मिलना तय है। मुझे नहीं मालूम कि पवार और श्रीनिवासन के बीच क्या बातचीत हुई। जहां तक मेरा मामला है, मैं श्रीनिवासन के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। मैं हमेशा से श्रीनिवासन और उनकी वर्किंग स्टाइल के खिलाफ रहा हूं। उन्होंने बीसीसीआई की इमेज को नुकसान पहुंचाया है। उधर सौरभ गांगुली बांग्ला क्रिकेट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।